प्राचीन काल में भारत को यूं ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता था। कहा ऐसा भी जाता था कि मध्यकाल में भारत के ऊपर कई आक्रमण हुए तो यहाँ के राजाओं ने अपनी अपनी धन संपदा को बचाने के लिए छिपा दिया था। ऐसे ही एक खजाने के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो राजस्थान के जयगढ़ किले में छिपा हुआ है। इस किले को जयपुर के महाराज सवाई जयसिंह ने 1726 में बनवाया था। जयगढ़ किले के बारे में आज भी कहा जाता है कि अरबों खरबों का खजाना यहाँ छिपा हुआ है। बता दें कि महाराज सवाई जय सिंह मुगल बादशाह अकबर के सिपे सराह थे। ऐसा भी कहा जाता है कि उनकी विरासत से प्रभावित होकर राजा मानसिंह और अकबर के बीच एक संधि हुई थी जिसमें तय हुआ था कि राजा मानसिंह किसी भी क्षेत्र पर जीत प्राप्त करेंगे वह अकबर का राज्य होगा, लेकिन धन संपदा पर सिर्फ मानसिंह का हक होगा। राजा मानसिंह बहुत सारे युद्धों में जीत हासिल करके बेमिसाल धन दौलत को कई किलों में छिपा दिया करते थे। अब बताते हैं आपको इस खजाने के बारे में कैसे मालूम हुआ। जयगढ़ के पुराने किलेदार के एक वंशज बाला बख्श के पास कुछ दस्तावेज और जयसिंह ख्वास के पास जयसिंह का लिखा बीजक था। उसकी मौत के बाद उसके परिजनों ने सरकार द्वारा घोषित ईस्ट इंडिया ट्रस्ट ट्रोव एक्ट में खजाना बताने वाले को पूरी संपत्ति के 2% भाग देने के लालच में सरकारी अफसरों को इस खजाने की सूचना दी। सरकार को इस खजाने के बारे में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय से पता था। उस समय इंदिरा ने इमरजेंसी लगा दी थी। इमरजेंसी के दौरान ही इंदिरा ने जयगढ़ किले में 5 महीने तक बीजक के अनुसार खजाने के लिए खुदवाई करवाई। इस खुदाई में सेना की 37वीं इंजीनियरिंग कोर्स को बुलवाया। कुल 5 महीने चली खुदाई के बाद सिर्फ 230 किलो चांदी और चांदी का सामान ही मिला। सेना ने इन सभी सामान की लिस्ट बनाकर राज परिवार के प्रतिनिधि को दिखाकर और सिग्नेचर कराकर सारा सामान सील कर दिल्ली ले गई। उत्तर प्रदेश और बिहार की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल द यूपी हेडलाइंस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।